नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा और वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों इस सुंदर से अपराजिता के फ्लावर के साथ। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे प्लांट बताने वाली हूँ जो अभी भी हम इनको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी भी कई जगह पर बारिश हो रही है और मौसम में थोड़ी नमी बनी हुई है, तो हम इन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार आपने अपने गार्डन में इनको ऐड कर लिया तो ये सालों साल आपके पास बने रहेंगे। दोस्तों अपराजिता को मैंने कटिंग से ग्रो किया है और ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी कटिंग लगी हुई है। तो दोस्तों अपराजिता को हम कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके दो कलर मेरे पास है, एक ये वाइट कलर है, ये देखिए दोस्तों इसको भी मैंने ये यहाँ पर मैंने एक कटिंग लगाई थी और ये कटिंग आप देख सकते हैं किस तरह से चल रही है। अभी मुझे इसको रिपोर्ट करना है। और दोस्तों बहुत ही हार्डी प्लांट है, बीज से भी हम ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट के कई बेनिफिट्स हैं और ये शुभ प्लांट भी माना जाता है। मोर फंकी प्लांट है दोस्तों और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, तो मानसून में ये प्लांट ज़रूर लगाइए। और दोस्तों इसकी कटिंग को आप बहुत ज़्यादा जो है छाया में ना रखिए, जहाँ पर सेमी शेड हो, जहाँ पर हल्की फुल्की धूप आती हो वहाँ पर रखिए। दोस्तों ये जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उन्हीं के नीचे मैंने इस कटिंग को लगाया था और बहुत ही अच्छे से ये कटिंग चल गई है। तो सारे प्लांट में लगभग कटिंग से ही लगाती हूँ। अब उसके बाद आता है दोस्तों, ये है मेरे चमेली का प्लांट और ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। दोस्तों मैं वही प्लांट बताने वाली हूँ और जो जो मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं और उनकी कटिंग भी मैंने अभी लगा रखी है, उनका रिजल्ट के साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो यह है चमेली प्लांट दोस्तों, इसमें बहुत ही खुशबू वाले फूल आते हैं, वाइट कलर के बहुत ही बंच में फूल आते हैं। और इसकी कटिंग मैंने यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये कटिंग मैंने अभी लगाई थी बारिश में और ये देखिए कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो गई है। तो इस तरह से हम कटिंग से इस प्लांट को लगा सकते हैं और ढेरों फ्लावरिंग पा सकते हैं। हमें ऐसे प्लांट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। कोलियस प्लांट भी हम कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है और एक बार आपने इसको कटिंग से लगा लिया तो बहुत ही सालों साल तक ये बना रहेगा। बस थोड़ा सा इसके जो है पानी और जो धूप है इसकी रिक्वायरमेंट आपको पता रहेगी तो आप बहुत अच्छे से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, ये फ्लावरिंग प्लांट है रात रानी का और ये भी कटिंग से बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, मैंने कटिंग से इसको लगाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चल रही है। इस प्लांट को मैंने अभी रिपोर्ट किया है तो थोड़ा ये मुरझाया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों प्लांट को लगाते रहेंगे तो ही हमारे गार्डन में प्लांट बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से कटिंग लगा लगा कर मैं अपने प्लांट तैयार करती हूँ। इसके बाद आता है दोस्तों मोर पंखी का प्लांट, बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है दोस्तों और कटिंग से बहुत ही आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। बीज से भी मैंने दोस्तों ग्रो करके देखा है और कटिंग से भी ग्रो करके देखा है, दोनों ही तरीके से मेरे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। तो आप इस प्लांट को कटिंग से भी और बीज से भी दोनों तरह से लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट माना जाता है। और तो इस तरह से इन प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं कटिंग से, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों पारिजात का प्लांट और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इसमें कीड़ा लग गया है, क्योंकि दोस्तों बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कब जो है कीड़े लग जाते हैं पता ही नहीं चलता, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर जो है ये पारिजात के प्लांट लगा हुआ है दोस्तों, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि मैं जो बड़े बड़े प्लांटर रहते हैं उसमें अपनी कटिंग लगा देती हूँ। तो इस तरह से पारिजात को भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों विनका, विनका को हम बहुत ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं, हाईब्रिड विनका भी लगाइए और जो है देशी विनका, दोनों कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। दोस्तों मैंने इसकी कई कटिंग लगा रखी है, जो मैंने ऊपर वाला टेरिस है वहाँ पर लगा रखी है। दोस्तों मेरे यहाँ पर जगह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से कुछ पौधे मैंने बहुत सारे पौधे कह सकते हैं ऊपर रखे हुए हैं। इसके बाद आता है दोस्तों नाग चंपा और इसकी तो मैंने कटिंग लगाना बताया था और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जितनी भी और जहाँ भी कटिंग लगाई है सारी कटिंग लग गई है। तो नाग चंपा को हम बहुत ही आसानी से कटिंग से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, सालों साल आपके गार्डन बना रहेगा बिना
कोई परेशानी की। दोस्तों इसमें वैसे कोई फंगस वगैरह लगता नहीं है, पर ओवर वाटरिंग करने पर प्लांट ख़राब होते ही है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ नाग चंपा की ये कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। सारी कटिंग मेरे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई है। बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई थी क्योंकि बंदर मेरे पूरे पूरे प्लांट ख़राब करके चले गए थे, तो मैंने सारी कटिंग वापस से ग्रो कर दी थी। तो दोस्तों मेरे पास इसके कई प्लांट तैयार हो गए हैं और इनको सभी को मुझे रिपोर्ट करना है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लगा रखी है सारे जो हार्डी प्लांट है, सारी कटिंग मैंने यहाँ पर लगा रखी है। ये सारे दोस्तों, ये है जो है हिबिस्कस। दोस्तों हिबिस्कस ऐसा प्लांट है जिसको हम बहुत ही आसानी से कटिंग से जो मानसून में है हम ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, बहुत ही हेवी फ्लावरिंग होती है, तो बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगता है। और दोस्तों बहुत ही आसानी से हम कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जहाँ पर धूप ना पड़ती हो वहाँ पर अपने कटिंग को रखिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ये प्लांट लगा है, ये प्लांट लगा है, तो इसकी छाँव में मैंने ये प्लांट लगा दिया है, इस तरह से कटिंग लगा दी है। तो इसको जो है रोशनी भी मिल रही है, और रोशनी मिलना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो रोशनी मिल रही है, तेज़ धूप नहीं मिल रही है, और मेरा प्लांट जो कटिंग है वो आसानी से ग्रो हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों मैं कटिंग से अपने प्लांट तैयार करती रहती हूँ। अभी अभी दोस्तों नर्सरी खुली है, पहले नहीं थी, तो इस तरह से ही मैंने प्लांट तैयार किए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पिंक कलर है हिबिस्कस का, और ये यहाँ पर है वाइट कलर। और ये देखिए दोस्तों, क्रोटन को भी मैंने कटिंग से तैयार किया है, और आप रिजल्ट देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके रिजल्ट आए हैं। बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है, और आप देखेंगे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कटिंग दिखाती हूँ, ये सारी कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हो रही है। यहाँ पर सारी कटिंग मैंने लगा रखी है। ये देखिए दोस्तों, ये एक और प्लांट है, लेकिन मुझे नाम पता नहीं है इसका, इसलिए मैं इसको नहीं बता पा रही हूँ। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, मैं ऊपर वाले टेरेस पे आपको लेकर चलती हूँ, वहाँ पर भी मेरे ढेर सारे प्लांट लगे हैं और सारी कटिंग भी मैंने वहाँ पर लगा रखी है। ये देखिए दोस्तों, ये है मीठा नीम, करी लिप्स बोलते हैं इसको, और आप देखेंगे इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। बंदर इसको पूरी तरह से ख़राब करके गए थे, लेकिन वापस इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हो गई है। ये भी कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसकी यहाँ से अपने आप से ही जो जड़ों में से नया प्लांट निकल कर आया है। तो इस तरह से नए नए प्लांट तैयार हो जाते हैं दोस्तों, और आप अपने घर में बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये मेरे ऊपर टेरेस की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर विनका के कई कलर हैं मेरे पास। देखिए दोस्तों, ये वही नाग चंपा का प्लांट है जो बंदर पूरा ख़राब करके गए थे, और आप इसकी ग्रोथ देखेंगे कितनी अच्छी से हो गई है, और मेरे कई कटिंग तैयार हो गई। एक कटिंग और आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तों ये कटिंग। इसके बाद दोस्तों मधुमालती जो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ग्रोथ हो गई है, तो ये प्लांट भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। और मैं आपको मधुमालती का प्लांट भी दिखाऊँगी जो मैंने कटिंग से लगाया है, और बहुत तेज़ धूप है दोस्तों। तो अब यहाँ पर है, ये देखिए ये चंपा, और दोस्तों ये चंपा की कटिंग मैंने इस तरह से लगाई थी, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके जो ग्रोथ हुई है। ये इस तरह से इतनी मोटी इसकी जो स्टेम में आपको लगानी रहती है। और दोस्तों आप इसे जो मेरे ऊपर वाले टेरेस पे रखी हुई है, यहीं पर मैंने इस कटिंग को लगाया था। तो दोस्तों ये बड़ा हार्डी प्लांट है, तो इसको आपको छाया में नहीं रखना है ज़्यादा छाया में, क्योंकि ज़्यादा छाया में इसकी कटिंग गल जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो चंपा की कटिंग मैंने लगाई है वो आपके सामने है। इसके बाद आता है दोस्तों ये हिमानी प्लांट है, और ये दोस्तों मैंने कटिंग से लगाई है, और कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग दोस्तों मैं बता रही हूँ, मुझे पता नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ मैं कटिंग लगाती हूँ। और तो इस तरह से ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही लगाया है दोस्तों, और कटिंग से बहुत ही आसानी से, ये देखिए अपराजिता, तो ना जाने कितने ही प्लांट मेरे ग्रो हो गए हैं अपने आप से। और चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके बाद आता है दोस्तों, ये है कनेर, और कनेर को तो आप जानते ही हैं बहुत ही आसानी से हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ऐसे प्लांट हमें ज़रूर लगाने चाहिए दोस्तों जो हमें साल भर फ्लावरिंग दे। ये प्लांट मुझे साल भर फ्लावरिंग देता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों, ये देखिए जो है मैंने यहाँ पर लगाई थी कटिंग,
कितने अच्छे से चल रही है मधुमालती की। तो ये मधुमालती को भी हम कटिंग से लगा सकते मानसून में, बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसके बाद आता है दोस्तों, ये है चमेली, सॉरी चांदनी प्लांट, और ये मैंने कटिंग से ही लगाया था। और दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है, छोटे से पॉट में मैंने लगा रखा है। दोस्तों बड़े बड़े पॉट में नहीं रख सकती हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरा शौक़ है मैं पूरा करने के हिसाब से मैं प्लांट लगा देती हूँ। और आप देख सकते हैं छोटे से पॉट में बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए दोस्तों और भी कुछ प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद आता है, यह है दोस्तों टिकोमा प्लांट, और ये मैंने कटिंग से लगाया है। एक कटिंग आपको मैं अलग से दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों कटिंग इसकी, ये देखिए, तो ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। और एक और दिखाती हूँ मैं दोस्तों आपको, ये मैं दिखाती हूँ एक और ये प्लांट मैंने कटिंग से लगाया था करी लिप्स का। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये टिकोमा कटिंग से लगाया है मैंने, और यहाँ पर लगा हुआ है मेरे हिबिस्कस। ये सारे प्लांट दोस्तों मैं कटिंग से ही तैयार करती हूँ। थोड़ी ये कटिंग ख़राब हो गई है मेरी, इसको हटा देंगे। ये नागचंपा की थी, और आप देखेंगे ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है इसकी, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा जो गार्डन आप देख रहे हैं लगभग मेरे ज़्यादातर कटिंग से ही तैयार हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये बोगनविलिया, इसकी कटिंग ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। और ये एक और देखिए कटिंग, ये दूसरा कलर है। और ये देखिए दोस्तों कटिंग से ही मैंने जो है कनेर लगाया था। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट आप देख सकते हैं, सारी कटिंग से ही मैंने तैयार किया। ये मेरे गार्डन का व्यू है दोस्तों, ऊपर वाले गार्डन का। चलते चलते मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, बहुत तेज़ धूप है अभी। तो मेरे बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं दोस्तों कटिंग से। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन की तैयारी करती हूँ। और